नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पी न्यूज। आइए आपको दिखा दें आज के ताजा तरीन खबरें। इंडो नेपाल भारत सीमा स्थित अब्दुलगंज में वन माफियाओं द्वारा लकड़ी काटकर बेचने का गोरख धंधा कई वर्षों से फल फूल रहा था, जिस पर वन अधिकारी द्वारा टीम गठित कर उन माफियाओं पर नकेल कसने में आज कामयाबी हासिल कर ली। जिनके हौसले बुलंदियों के नजर रो को नाकाम करते हुए वन माफिया को धर दबोचा। आपको बता दें कि यह मामला जनपद बगराइच के इंडो नेपाल भारत सीमा स्थित अब्दुलगंज रेंज के विकास क्षेत्र वनगंज का है, जहां वन माफिया द्वारा कई वर्षों से वन क्षेत्र के अंदर कई जगहों पर साग सावन की बैसाखी पेड़ की कटान कर उनकी चिरान करके बेचने का गोरख धंधा फल फूल रहा था, जिसको मीडिया द्वारा निरंतर प्रकाश में लाया जा रहा था। परंतु वन कर्मचारी द्वारा इन माफियाओं पर नकेल कसने में निरंतर नाकाम ही रहते थे, जिसको आज नाकाम करते हुए वन क्षेत्र की माल अहमद सिद्दीकी के चार्ज लेते हुए इन लकड़ी काटकर चिराग करने वाली माफियाओं पर नकेल कसने समय कमल अहमद सिद्दीकी न क्षेत्र मनोज सिंह वन क्षेत्र व नालक के किनारे अब्दुलगंज व कपाट संख्या 7 के बंगल चिराग कर रहते थे, जिसे आहट पाकर उनकी घेराबंदी करके पकड़ना चाहा, जिसमें 5 की जिससे 2 लकड़ी चिरना वाला और 1 चिरान की 16 आदत साख के सिलपट्टा पटरा 2 बूटा साख की लकड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसमें पूछताछ दौरान बताया कि बैसाखी की साख व सौगन की लकड़ी काटकर जंगल के अंदर ही चिराना करके लकड़ी तस्कर का कारोबार करते थे। आ रहे तो ये साखू की लकड़ी कहाँ काट रहे थे, चीर रहे थे हैं? अब कम पार ना जान पाई थे। चिरान कर रहे थे? रहन तो करते रहन के। कई लोग रहे? 5। और लोग क्या हो गए? सब भाग लेहन हमेशा है बड़ा लेंगे कहीं बैठे रहा तो जान करा तो हम भाग लेहन हम बैठे हैं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई खबर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।